हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज से हम नेक्स्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में स्टार्ट करेंगे, जो कि है रेजिन। इससे पहले के वीडियोस में हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन और टर्पिनोइड्स के बारे में हमने डिटेल में बताया था, और इन वीडियोस को आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। और आज हम इंट्रोडक्शन टू रेजिन, मीन्स रेजिन्स होते क्या हैं, रेजिन्स के अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे, और रेजिन्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या क्या मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में रेजिन्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे, और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बताएंगे, और उसका क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, मीन्स किस तरीके से रेजिन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसको आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू रेजिन्स। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रेजिन्स होता क्या है। रेजिन्स जो हैं कई टाइप के होते हैं, नेचुरल रेजिन्स भी होते हैं, सिंथेटिक रेजिन्स भी होते हैं, और डिराइव रेजिन्स भी होते हैं। तो हम आज नेचुरल रेजिन के बारे में बात करेंगे। नेचुरल रेजिन्स क्या होते हैं? नेचुरल रेजिन्स ऐसे रेजिन्स होते हैं जो हमको नेचर से ऑप्टेन होते हैं। नेचर से ऑप्टेन होते हैं मतलब कि ये हमको नेचुरल सोर्स मीन्स प्लांट से ऑप्टेन होते हैं, या तो एनिमल से ऑप्टेन होते हैं, तो ऐसे रेजिन्स को हम नेचुरल रेजिन्स बोलते हैं। तो ये जानते हैं ये रेजिन्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो रेजिन्स या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, या तो सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मीन्स ये जो है प्लांट या प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं, या उस स्पेसिफिक पार्ट से जब इसको आइसोलेट किया जाता है तो ये तो या सॉलिड या तो सेमी सॉलिड एमॉर्फस नेचर का होता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रेजिन्स आर द सॉलिड सेमी सॉलिड एमॉर्फस प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर। मतलब कि ये जो रेजिन्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि ये जो नेचुरल रेजिन्स होते हैं ये हमको नेचुरल सोर्स से ऑप्टेन होते हैं, और मोस्टली ये प्लांट डिराइव्ड होते हैं। मीन्स मोस्टली जो रेजिन्स जो हैं ऑप्टेन होते हैं वो प्लांट से हमको ऑप्टेन होते हैं। या तो ये रेजिन्स जो हैं होल प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, या ये रेजिन प्लांट के कोई स्पेसिफिक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स बहुत से प्लांट्स के होल प्लांट में ये रेजिन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या तो बहुत से प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में ही ये रेजिन प्रेजेंट होते हैं, और इसी स्पेसिफिक पार्ट से या होल प्लांट से हम इस रेजिन्स को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, अलग किया जाता है। या इसके अलावा मीन्स होल प्लांट या प्लांट के कोई स्पेसिफिक पार्ट्स में ये प्रेजेंट तो होते हैं और उससे आइसोलेट किया जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं उस प्लांट से ये क्या होते हैं, ये रेजिन एक्सक्यूड आउट होते हैं। मीन्स ये जो प्लांट के एक्सुडेट्स होते हैं, एक्सुडेट्स क्या होता है, मीन्स ये प्लांट के या इंजरी हो जाने से या उसको जब इंसिजन किया जाता है, इंसिजन किया जाता है मतलब उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में जब कट किया जाता है तो उस कट पोर्शन से ये जो है ये रेजिन जो है लिक्विड के फॉर्म में सिक्रीट आउट होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूडेट्स बोलते हैं। तो बहुत से प्लांट्स में ये जो रेजिन है एक्सक्यूडेट्स के फॉर्म में मतलब सिक्रीट आउट होता है एट द साइट ऑफ इंजुरी, जहाँ पे मीन्स जिस प्लांट के पार्ट में इंजुरी हो चुकी है। मीन्स कुछ ऐसे प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में अगर इंजुरी हो जाता है तो उस इंजर्ड पार्ट से क्या होता है ये लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है, रेजिन सिक्रीट आउट होता है, स्क्यूड होता है, या तो किसी प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में रूट में या बार्क में अब जब इसको इंसिजन किया जाता है तो ये सिक्रीट आउट होता है ये रेजिन, तो लिक्विड के फॉर्म में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सुडेट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से नेचुरली हमको रेजिन्स ऑप्टेन होता है या तो प्लांट के होल प्लांट में, या तो प्लांट मीन्स होल प्लांट में ये रेजिन्स प्रेजेंट होता है बहुत से प्लांट्स में, या तो कुछ कुछ प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट में ये रेजिन प्रेजेंट होता है जिससे हम इस रेजिन्स को आइसोलेट करते हैं, या तो बहुत से प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट में इंजुरी हो जाने से, या तो स्पेसिफिक पार्ट में इंसिजन या कट करने से ये रेजिन्स जो है सिक्रीट आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और एयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद ये ड्राइड हो जाता है, मीन्स सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया सोर्सेस ऑफ रेजिन, मीन्स मोस्टली ये हमको प्लांट से ऑप्टेन होते हैं नेचुरल रेजिन, और कुछ रेजिन्स हमको एनिमल से भी ऑप्टेन होता है। तो ये जो है रेयरली एनिमल से ऑप्टेन होता है, तो कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे हमको रेजिन ऑप्टेन होता है एनिमल सोर्स से, वो है शेलिक।
चलिक क्या होता है, जिसको हम लैक बोलते हैं। ये लाख जो होता है, ये लाख हमको कहाँ से ऑप्टेन होता है, लाख जो है हमको ऑप्टेन होता है एक स्पेसिफिक इंसेक्ट होता है जिसको हम लाख का कीड़ा बोलते हैं। तो ये जो लैक इंसेक्ट होता है, ये जो है जो प्लांट के बार्क में, ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, ये रेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसको हम शैलेक बोलते हैं या लाख बोला जाता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ एनिमल सोर्स ऑफ रेजिन्स। मीन्स रेजिन्स जो है रेयरली जो है एनिमल सोर्स से ऑप्टेन होता है। तो उसके एग्जाम्पल हमने बताया यहाँ पे सैलेक या लैक। और कुछ रेजिन्स हमको फॉसिल्स से भी ऑप्टेन होता है। मीन्स ये जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो फॉसिल्स होते हैं, ये फॉसिल्स में भी रेजिन्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉसिल रेजिन्स का क्या है, वो है कोपल। तो कोपल क्या है, कोपल जो है ये फॉसिल रेजिन के अंदर आता है। तो ये हो गया नेचुरल सोर्सेस ऑफ रेजिन। मोस्टली हमको ये प्लांट से ऑप्टेन होता है और रेयरली ये एनिमल्स और फॉसिल से हमको ये रेजिन ऑप्टेन होता है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ रेजिन। मीन्स ये रेजिन्स जो होते हैं ये केमिकली होते क्या हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, ये रेजिन्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल मिक्सचर होते हैं। मीन्स इसमें एक केमिकल प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें बहुत से कैटेगरी के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द रेजिन्स आर द मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल। मीन्स बहुत से रेजिन्स में एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है, या तो ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स होते हैं ये। मीन्स हमने आपको टर्पीन्स के वीडियो में बताया था कि टर्पीन्स क्या होते हैं। टर्पीन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इसके ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स को हम टर्पीनॉइड्स बोलते हैं, जो कि आइसोप्रीन यूनिट से बने हुए होते हैं। तो ये जो रेजिन्स होते हैं, या तो ऑयल या ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स के मिक्सचर्स होते हैं, या उसमें एसेंशियल ऑयल, या तो ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट टर्पीन्स या एसिड के मिक्सचर्स होते हैं। इसी कारण से हमने यहाँ पे लिखा है द रेजिन्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है एसेंशियल ऑयल और द ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स। में टर्पीनॉइड्स इसमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल टर्पीनॉइड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर्स होते हैं। मीन्स रेजिन्स में जो है हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है, या तो एसिड्स, अल्कोहल या ईस्टर्स के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं रेजिन्स में। और इसी के अकॉर्डिंग जो है रेजिन्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। तो इस क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये हो गया केमिकल नेचर ऑफ रेजिन्स। मीन्स रेजिन्स आर द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइदर ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स मीन्स टर्पीनॉइड्स, आइदर वोलेटाइल टर्पीनॉइड्स और नॉन वोलेटाइल टर्पीनॉइड्स, और या तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, या तो एसेंशियल ऑयल के उसमें मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो रेजिन्स होते हैं, ये रेजिन्स जो हैं कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये रेजिन्स जो है जनरली हमने आपको बताया था, ये मोस्टली जो ये हमको कहाँ से ऑप्टेन होते हैं, ये रेजिन्स हमको ऑप्टेन होते हैं फ्रॉम दी प्लांट सोर्स से। मीन्स प्लांट मैक्सिमम ये रेजिन्स जो है हमको प्लांट से ऑप्टेन होते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि एसाफोएटिडा। तो ये जो एसाफोएटिडा होता है, ये एसाफोएटिडा को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, एसाफोएटिडा को हिंदी में हम हींग बोलते हैं। तो ये हींग कहाँ से ऑप्टेन होता है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि रेजिन्स जो है, या तो प्लांट होल प्लांट या प्लांट के कोई स्पेसिफिक पार्ट में रेजिन प्रेजेंट होता है, या तो उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट के इंसिजन या इंजरी हो जाने पे ये रेजिन जो है सिक्रीट आउट होता है। तो ये जो एसाफोएटिडा है, ये एसाफोएटिडा जो कि क्या है, रेजिन्स के अंदर आता है। और ये एसाफोएटिडा जिसको हम हींग बोलते हैं, ये हमको एक प्लांट से ऑप्टेन होता है, जिस प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है फेरुला फोएटिडा। तो इस फेरुला फोएटिडा का जो रूट होता है, उस रूट के इंसिजन करने पे, मतलब जब उसको कट किया जाता है, तो जो फ्लूइड सिक्रीट आउट होता है, जो फ्लूइड जो एक्सक्यूड होता है, उसी के ड्राइड फॉर्म को क्या बोला जाता है, ऐसा फोएटिडा बोला जाता है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल है बेंजोइन। बेंजोइन को हिंदी में लोबान कहते हैं। ये बेंजोइन भी रेजिन का एग्जांपल है, जो कि प्लांट सोर्स से हमको ऑप्टेन होता है। और ये बेंजोइन जिस प्लांट से ऑप्टेन होता है, उस प्लांट का नाम है स्टारिक्स बेंजोइन, ये स्टारिक्स टोंकिनोनसिस। तो क्या किया जाता है, इसके जो स्टेम होता है, इसके जो बाग होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, इंसीजन किया जाता है। और इंसीजन करने से क्या होता है, ये जो रेजिन है ये सिक्रीट आउट होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। वैसे ही जिंजर हो गया, जिंजर में ये रेजिन प्रेजेंट होता है, जिंजर के अंदर ये रेजिन प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में, स्पेसिफिक सेल में ये रेजिन प्रेजेंट होता है। तो जिंजर से
हम क्या करते हैं, जिंजर से इस जिंजर रेजिन को हम आइसोलेट करते हैं। वैसे ही कैप्सिकम में भी रेजिन प्रेजेंट होता है और पोडोफाइलम में भी रेजिन प्रेजेंट होता है। पोडोफाइलम क्या किया जाता है, पोडोफाइलम के जो रूट्स और राइजोम्स हैं, उस रूट्स और राइजोम्स से क्या करते हैं, उसको प्रॉपर सॉल्वेंट की मदद से उसको उसके अंदर जो प्रेजेंट रेजिन्स होता है उसको अलग किया जाता है, मीन्स आइसोलेट किया जाता है। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिन्स जो कि हमको ऑप्टेन होता है फ्रॉम द प्लांट सोर्स से, एसाफोइटिडा, बेंजोइन, जिंजर, पोडोफाइलम, कैप्सिकम, टर्मरी, ये सब क्या होते हैं, ये सब के स्पेसिफिक पार्ट में क्या होता है, रेजिन प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, तो जैसा हमने आपको बताया कि मोस्टली ये जो रेजिन्स होते हैं ये प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और जनरली ये स्पर्मेटोफाइटा क्या होते हैं, स्पर्मेटोफाइटा मतलब होता है जो सीड प्लांट होते हैं, मीन्स जिस प्लांट्स में सीड्स होते हैं उसको हम स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब स्पर्मेटोफाइटा के अंदर आते हैं। तो मोस्टली जो सीड बेयरिंग जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और रेयरली टेरिडोफाइटा में रेयरली रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइटा में जैसे कि फर्न्स हो गए, तो कुछ फर्न्स में रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रेजिन्स होते हैं, ये रेजिन्स को जनरली क्या कंसिडर किया जाता है, जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उन हायर प्लांट्स में जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो उन मेटाबॉलिक पाथवे का जो एंड प्रोडक्ट होता है उस एंड प्रोडक्ट को रेजिन्स कंसिडर किया जाता है। मीन्स रेजिन्स को एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म कहा जाता है और बहुत से साइंटिस्ट इस रेजिन्स को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी डिनोट करते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिन्स और ये जो रेजिन्स हमने बताया ये बहुत ही रेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन द एनिमल, ये मोस्टली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट में, होल प्लांट में, या तो इस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में इंसिजन या इंजरी होने से उस पर्टिकुलर पार्ट में वो सिक्रीट आउट होता है, स्क्यूड होता है ये रेजिन। तो ये हो गया, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अकरेंस ऑफ रेजिन, मीन्स रेजिन कहाँ कहाँ पे अकर होता है, कहाँ कहाँ पे प्लांट में, प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो रेजिन्स होते हैं, ये रेजिन्स जो है प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है कहाँ पे, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, मीन्स प्लांट हो गए, प्लांट का जो स्पेसिफिक पार्ट होता है उस स्पेसिफिक पार्ट में या तो ये इंटरनली जो है प्रेजेंट होता है या तो सरफेस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, मीन्स ये जो रेजिन्स जो है प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक सेल में, स्पेसिफिक सिक्रेटरी स्ट्रक्चर में ये रेजिन्स प्रेजेंट होता है, रेजिन प्रोड्यूस होता है, या तो बहुत से ऐसे प्लांट के सरफेस में, मतलब उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट के सरफेस में ये रेजिन प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि रेजिन सेल, रेजिन सेल में हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है जिंजर। तो जिंजर क्या होता है, जिंजर के जो सेल्स होते हैं, तो जिंजर के सेल्स में स्पेसिफिक सेल होता है जिसको हम रेजिन सेल बोलते हैं और इसी स्पेसिफिक सिक्रेटरी सेल, सिक्रेटरी स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, रेजिन प्रेजेंट होता है जिंजर का, तो उसी को हम रेजिन सेल बोलते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ग्लैंडुलर हेयर। तो जैसा हमने आपको बताया था ये जो रेजिन्स होते हैं या तो बहुत से प्लांट्स के इंटरनली में ये रेजिन प्रेजेंट होता है, मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर में, जैसे कि रेजिन सेल्स हो गए तो इंटरनली ये रेजिन्स प्रेजेंट होता है, या तो डिफरेंट पार्ट्स के सरफेस में ये रेजिन प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि एग्जांपल ग्लैंडुलर हेयर, तो जो कैनाबिस होता है, कैनाबिस मतलब क्या होता है, कैनाबिस जिसको हम जो है गांजा बोलते हैं, ये क्या होता है, ये कैनाबिस का जो प्लांट होता है, इस कैनाबिस प्लांट्स के जो फ्लावरिंग टॉप होते हैं, फ्लावरिंग जो टॉप होता है उसमें जो उसके सरफेस में जो है टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं। तो यही जो ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसी में रेजिन्स प्रेजेंट होता है। तो ग्लैंडुलर हेयर स्ट्रक्चर में, मीन्स हमने आपको बताया था कि जो रेजिन्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में ये सिंथेसाइज होता है, सिक्रीट होता है। तो कैनाबिस में कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ग्लैंडुलर हेयर्स में प्रेजेंट होता है, मीन्स कैनाबिस के जो फ्लावरिंग टॉप में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसमें कैनाबिस का रेजिन प्रेजेंट होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसमें ये रेजिन प्रेजेंट होता है, रेजिन अकर होता है, तो बहुत से प्लांट्स में जो स्काइजोजीनस डक्ट होता है, ये कैविटीज होती है, या स्काई जो लाइसोजीनस डक्ट या कैविटी होता है उसमें ये रेजिन प्रेजेंट होता है, मीन्स बहुत से प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट में ये जो डक्ट और कैविटीज होता है उसमें रेजिन प्रेजेंट होता है। तो ये डक्ट और कैविटीज क्या होते हैं, मीन्स स्काई जो लाइसोजीनस डक्ट और कैविटीज क्या होते हैं, ये जो
कैविटी किस तरीके से बनता है, जब जो प्लांट्स के अंदर जो सेल होते हैं तो उस सेल का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, सेपरेट आउट हो जाता है। सेपरेट आउट होने की वजह से क्या हो जाता है, उसके अंदर जो स्पेस बनता है, तो स्पेस में ये जो है रेजिन जो है प्रेजेंट होता है, रेजिन अकर होता है। तो इसी कारण से हमने यहाँ पे लिखा है कि जो रेजिन्स होते हैं या प्लांट में प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में इंटरनली या एक्सटर्नली ये प्रेजेंट होते हैं, या तो किसी प्लांट्स के ग्लैंडुलर हेयर में, या तो किसी के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, या स्पेसिफिक डक्ट्स और कैविटीज़ में ये रेजिन पाए जाते हैं बहुत से प्लांट्स में। जैसे कि एग्जाम्पल पाइन वुड, तो जो पाइन वुड होता है उसका जो रेजिन्स होता है वो स्काइजोजीनस डक्ट या कैविटीज़ में ये प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, जिसमें हमने आपको बताया एग्जाम्पल्स के साथ कि कौन से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं बहुत से प्लांट्स के अंदर, और उस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में रेजिन्स का अकरेंस होता है, मींस रेजिन्स अकर होता है। और उसके हमने एग्जांपल्स भी बताए, जैसे ग्लैंडुलर हेयर, रेजिन सेल, स्काइजोजीनस डक्ट और कैविटीज, मींस बहुत से प्लांट्स के स्काइजोजीनस डक्ट और कैविटीज में रेजिन्स की सिंथेसिस होती है, कुछ प्लांट्स के रेजिन सेल्स के अंदर ये रेजिन्स बनते हैं, और कुछ में ग्लैंडुलर हेयर में ये रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो रेजिन्स होते हैं, ये रेजिन्स जो है उस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, मीन्स बहुत से प्लांट्स के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में रेजिन जो है प्रोड्यूस होते हैं एट द टाइम ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट। और कुछ प्लांट्स में ये जो रेजिन्स होते हैं ये खुद सिंथेसाइज नहीं होते हैं, बट क्या होता है, किस तरीके से ये रेजिन्स डेवलप होता है, किस तरीके से इस रेजिन्स का फॉर्मेशन होता है, जब उस पर्टिकुलर प्लांट के, मीन्स बहुत से प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट में जब इंजरी हो जाती है मंस स्पेसिफिक पार्ट में, जब उस प्लांट के जब चोट लगता है, या तो या इंसीशन करते हैं मतलब कि जब उसमें कट किया जाता है उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में, तो बहुत से प्लांट्स में ये रेजिन जो है खुद से फॉर्म नहीं होता है, खुद से ये प्रोड्यूस नहीं होता है। तो किस तरीके से रेजिन प्रोड्यूस होता है उस प्लांट में, तो क्या होता है, उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में इंड्यूस होता है इस रेजिन का फॉर्मेशन, मीन्स रेजिन का फॉर्मेशन इंड्यूस होता है कब, जब उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में या तो इंजरी होती है मतलब जब चोट लगता है उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में बहुत से प्लांट के, या तो उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में जब इंसीजन किया जाता है मतलब कि जब कट किया जाता है स्पेसिफिक पार्ट में, तब ये रेजिन्स का फॉर्मेशन होता है, ये रेजिन प्रोड्यूस होता है। और ये रेजिन क्यों प्रोड्यूस होता है उस प्लांट में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है जब इंसिजन या जब इंजरी हो जाती है ये रेजिन का फॉर्मेशन उस टाइम पे, तो ये क्या करता है, ये रेजिन उस प्लांट के प्रोटेक्टिव बेनिफिट होता है, मीन्स उस प्लांट को वहाँ जहाँ पे कट हुआ है या जहाँ पे इंजरी है, तो उस प्लांट को उस पर्टिकुलर पार्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये रेजिन्स जो है क्या करता है, प्रोड्यूस होता है उस प्लांट में। इसी कारण से हमने यहाँ लिखा है प्रोटेक्टिव बेनिफिट फॉर द प्लांट। तो बहुत से प्लांट से जब उसमें इंजरी होती है या तो जब इंसिजन किया जाता है, तब ये रेजिन का फॉर्मेशन होता है, तब ये रेजिन का फॉर्मेशन इंड्यूस होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया बेल्सम ऑफ टेलू हो गया या बेंजोइन हो गया। तो बेंजोइन क्या है, तो जैसा हमने आपको बताया था कि बेंजोइन, जिसको लोबान बोलते हैं, तो जब क्या किया जाता है, प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं ब्रांचेस, जब उसमें कट किया जाता है तब ये बेंजोइन जो है सिक्रीट आउट होता है। वैसे ही एसाफोएटिडा, तो एसाफोएटिडा के जो प्लांट होता है उसके जब रूट्स और जो राइजोम जब कट किया जाता है रूट्स को, तब इंसिजन किया जाता है, तब ये एसाफोएटिडा मीन्स हींग जो है, मीन्स रेजिन जो है सिक्रीट आउट होता है। तो ये जो रेजिन है बहुत से प्लांट्स में इंटरनली या एक्सटर्नली जो है प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये प्रोड्यूस होता है, या ये रेजिन जो है प्लांट्स के अंदर खुद जो इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, बट इसका फॉर्मेशन इंड्यूस होता है आफ्टर इंजरी और आफ्टर द इंसिजन एट द पर्टिकुलर या द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। तो ये हो गया अकरेंस ऑफ रेजिन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यूजेस ऑफ रेजिन्स। तो ये जो नेचुरल रेजिन्स होते हैं जो हमको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स से हमको ऑप्टेन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट से ऑप्टेन होते हैं, या तो उन प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट में जब इंसिजन या इंजरी होती है तब ये सिक्रीट आउट होते हैं। तो ये जो रेजिन्स होते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है, फार्मास्यूटिकल यूजेस होते हैं इसके, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है इनकी, जिसकी वजह से इनको डिफरेंट मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये रेजिन्स जो है हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स से हो गया, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट से इसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैथड से। तो जैसे कि जिंजर हो गया, जिंजर
पोडोफाइलम, तो इनको कैसे आइसोलेट किया जाता है, जिंजर, पोडोफाइलम, टर्मरिक, कैप्सिकम, ये सब में क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें रेजिन प्रेजेंट होता है। तो इनके रेजिन्स को हम स्पेसिफिक सॉल्वेंट बट इथेनॉल से इसको, इसके अंदर जो प्रेजेंट रेजिन्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। और बहुत से ऐसे रेजिन्स हैं जो कि क्या होते हैं, फॉसिल रेजिन्स होते हैं, तो हमने आपको बताया था कोपर रेजिन, तो हम वहाँ से इस फॉसिल रेजिन्स के प्रोसेसिंग करके इसको आइसोलेट करते हैं। बहुत से ऐसे रेजिन्स होते हैं जो हमने आपको बताया था एनिमल्स से, इंसेक्ट्स से ऑप्टेन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल शेलेक हो गया, जो लाख होता है, जो लाख का जो कीड़ा होता है वो जो सिक्रीट आउट करता है रेजिन्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, मतलब जो ट्री के जो ब्रांचेस होते हैं उसमें ये सिक्रीट आउट करता है, तो उस इसको हम एनक्रस्टेशन बोलते हैं। तो ये जो एनक्रस्टेशन है, जो ये रेजिनस सिक्रीशन है, तो इसकी जो प्रोसेसिंग की जाती है और ये रेजिन हमको ऑप्टेन होता है इस इंसेक्ट से। और दूसरा जो मेथड होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में क्या किया जाता है, प्लांट्स का जैसे हमने आपको बताया था बहुत से ऐसे प्लांट्स में इंसीजन किया जाता है, इंसीजन किया है, मतलब कट किया जाता है स्पेसिफिक पार्ट में, और कट करने के बाद फिर जो फ्लूइड जो है जो सिक्रीट आउट हो जाता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हो गया एसाफोएटिडा हो गया, बेंजोइन हो गया, बैल्सम ऑफ टेलू हो गया, ये सब क्या होते हैं, गुगुल है, ये सब क्या होते हैं, हम प्लांट इनके जो प्लांट्स होते हैं उनके प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट में कट करने के बाद ये फ्लूइड जो है, ये लिक्विड जो है सिक्रीट आउट होते हैं, जो कि उसको जिसको ड्राई किया जाता है और उसके बाद उसको हम कलेक्ट करते हैं इस रेजिन को। तो ये हो गया, इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेजिन जो हमको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से हमको जो ऑप्टेन होते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से उसको आइसोलेट किया जाता है। तो ये जो रेजिन्स होते हैं इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो जैसे कि हमने सबसे पहला लिखा है फ्लेवरिंग एजेंट, तो बहुत से जो रेजिन्स हमको जो ऑप्टेन होते हैं उसको ऐसा फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि रेजिन्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल, ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स होते हैं, तो बहुत से रेजिन्स में जो एसेंशियल ऑयल मीन्स वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या यूज़ किया जाता है, उसको ऐसा फ्लेवरिंग एजेंट इसको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया जिंजर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कार्बोनेटिक, बहुत से ऐसे रेजिन्स होते हैं जो हमको ऑप्टेन होते हैं फ्रॉम दी प्लांट्स, उसकी कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो हमने यहाँ पे लिखा है जिंजर। जिंजर का जो राइजोम्स होते हैं उससे जो हम रेजिन ऑप्टेन करते हैं, उस रेजिन्स की जो क्या प्रॉपर्टी होती है, कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी होती है। कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी जो है जीआईटी ट्रैक से क्या करता है, गैस को रिलीफ दिलाता है। जीआईटी ट्रैक्स में जब गैस का फॉर्मेशन हो गया या गैस के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, या गैस का फॉर्मेशन अगर हो गया तो उससे रिलीफ दिलाता है, तो ऐसे ड्रग्स को हम कार्बोनेटिव्स बोलते हैं। तो जिंजर का जो रेजिन हो गया, एसाफोएटिडा है, एसाफोएटिडा, ये सब क्या होते हैं, ये इसकी कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो इसका यूज़ है एज एन एक्सपेक्टोरेंट, तो बहुत से जो रेजिन्स होते हैं वो उसमें कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ उसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि एग्जांपल बेंजोइन, टोलुबॉल्सम, ये क्या होते हैं, ये बेंजोइन जो है इसमें कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, एक्सपेक्टोरेंट भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो बेंजोइन है, बेंजोइन की एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट मतलब कि ऐसे ड्रग्स, ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से कफ को क्या करते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, और इसी कारण से इसको कफ के ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो बेंजोइन होता है, बेंजोइन क्या है, ये बेंजोइन इसको यूज़ किया जाता है एक्सपेक्टोरेंट। इस बेंजोइन की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है, और इस बेंजोइन को कैसे आइसोलेट किया जाता है, ये बेंजोइन हमने आपको बताया था, ये बेंजोइन जो है इंसीजन करके, मीन्स प्लांट के जो पार्ट में इंसीजन करके, कट करके ये बेंजोइन जो है हमको आइसोलेट होता है, ये बेंजोइन रेजिन हमको ऑब्टेन होता है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टिमुलेंट और डायुरेटिक, तो ये जो रेजिन्स होते हैं जो डायुरेटिक अफेक्ट शो करते हैं, जैसे कि एग्जांपल कोलोफोनी, तो ये कोलोफोनी होता है, ये कोलोफोनी कैसे ऑप्टेन होता है, तो ये कोलोफोनी जो है पाइनस जो ट्री होता है, ये जो पाइनस प्लांट है उसके अंदर से जो ऑयल ऑप्टेन होता है, उस ऑयल को जब डिस्टिल आउट कर दिया जाता है तो जो रेसिड्यू बनता है, तो उसी को रेसिड्यू को हम कोलोफोनी बोलते हैं, और ये जो रेजिन है इसकी स्टिमुलेंट डायुरेटिक प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंटी कैंसरस, तो रेजिन जिसके एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एग्जांपल पोडोफाइलम, तो ये जो पोडोफाइलम होता है, ये पोडोफाइलम का जो रेजिन प्रेजेंट होता है, ये पोडोफाइलम के जो रेजिन्स में जो एक्टिव केमिकल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, पोडोफाइलोटॉक्सिन। ये पोडोफाइलोटॉक्सिन इसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। तो ये हो गया पोडोफाइलम का एग्जाम्पल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कैथेटिक, तो बहुत से रेजिन कंटेनिंग ड्रग्स हैं जिसकी
कैथर्टिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एग्जांपल हो गया जलप हो गया, आइपोमोइया हो गया, ये क्या होते हैं, ये कैथर्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं इनके अंदर जो रेजिन प्रेजेंट होता है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक में जैसे कि हो गया टर्मरिक हो गया, बेंजोइन हमने आपको बताया, ये सब भी रेजिन कंटेनिंग ड्रग्स के अंदर आते हैं जिसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, जैसे कि एग्जांपल गुगुल, तो गुगुल क्या है, ये गुगुल हमको ऑप्टेन होता है स्पेसिफिक गुगुल प्लांट से, इसमें क्या किया जाता है उसके स्टेम और ब्रांचेस में जब इंसिजन करते हैं, जब कट करते हैं, तो जो लिक्विड जो है जो सिक्रीट आउट होता है उसी को कलेक्ट किया जाता है, उसी को हम गुगुल बोलते हैं, और इस गुगुल की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही टर्मरिक, टर्मरिक मीन्स हल्दी, हल्दी में जो रेजिन प्रेजेंट होता है, टर्मरिक का जो रेजिन होता है उसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो ये हो गया डिफरेंट फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिन, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेजिन जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स से, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट से या डिफरेंट स्पेसिफिक मेथड से जब उसको आइसोलेट किया जाता है तो इन रेजिन्स के डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और बहुत से रेजिन्स को इन मेडिसिनल यूज़ के अलावा इन रेजिन्स को क्या किया जाता है, बहुत से रेजिन्स को डिफरेंट पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल इंसेंस स्टिक बनाने के लिए, जैसे कि एग्जांपल मीर हो गया, बेंजोइन हो गया, इसको हम एज एन इंसेंस स्टिक बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और दूसरा एग्जांपल बहुत से ऐसे रेजिन्स होते हैं जिसको एज अ परफ्यूमिंग एजेंट भी उसको यूज़ करते हैं, और बहुत से रेजिन्स को एज अ पेंट्स, वार्निशेस, नेल पेंट्स में या एज अ एडिसिव इनको यूज़ किया जाता है, और बहुत से रेजिन्स को एज अ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स भी उसको यूज करते हैं। तो ये हो गया रेजिन्स के बारे में, रेजिन्स क्या होता है, रेजिन्स का अकरेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन, और रेजिन्स कहाँ कहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है, क्या क्या उसका मेडिसिनल और अदर इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हमने आज आपको डिटेल में बताया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज का कंटेंट हमने लिया है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक, एस एल देओरे एंड कादाबाड़ी की बुक से। थैंक यू।